मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के विषय में, भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के विषय में। समझते हैं ये वेधशाला है क्या। ये बेसिकली एक न्यूट्रिनो वेधशाला है। इस वेधशाला का स्थापना तमिलनाडु के थेनी जिले के पोटीपुरम गांव में किया जाने का है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके तहत इस गुफा से 1200 मीटर नीचे इस वेधशाला को स्थापित करके न्यूट्रिनो पर अध्ययन करने का कार्य अनुसंधान किया जाएगा। और इस प्रकार से ये पार्टिकल फिजिक्स का अब तक का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी भारतीय परियोजना है। इसी बोडी हिल के भीतर अंदर ये काम किया जाएगा। लगभग लगभग इसमें 1500 करोड़ रुपये का लागत लगने वाला है। सवाल यह आता होगा कि यही इस पहाड़ के नीचे इसको क्यों बनाया गया, क्यों नहीं ये खुले मैदान में क्यों नहीं इसको बनाया गया। इसका उत्तर ये है कि हमारे शरीर से प्रति क्षण कॉस्मिक माध्यम से आने वाला न्यूट्रॉन है वो गुजरते होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बोडी हिल्स का जो क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर हम जमीन से 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और न्यूट्रॉन पार्टिकल यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और इसीलिए इसको यहाँ पर चुना गया है। और ये भी एक अनुमान ही है, ये जरूरी नहीं है। अब समझते हैं कि ऐसा क्या है न्यूट्रॉनों में जिसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समय पढ़ते हो, वैसे ही न्यूट्रिनो के यहाँ एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और आमतौर से धरती पर या जो पार्टिकल एक्सीलरेटर हैं या जो न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसके दौरान ये पैदा होता है। प्राकृतिक रूप से ये सुपरनोवा के भीतर पैदा होते रहता है। ये इसके अलावा सूर्य के भीतर भी ये न्यूट्रिनो पैदा होते रहता है। तो न्यूट्रिनो का अध्ययन से हमें मिलेगा क्या, न्यूट्रिनो का अध्ययन से हमें ये पता चल जाएगा कि सुपरनोवा हो, चाहे वो परमाणु अभिक्रिया हो, चाहे वो सूर्य के भीतर होने वाला अब नाभिकीय अभिक्रिया है, कि अंदर है क्या। हम इसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि सूर्य के अंदर वाले जो भाग हैं उस अंदर वाले भाग के घटक क्या हैं, और यही इसका पूरा उद्देश्य है। न्यूट्रिनो जिस भी सोर्स हमारे वायुमंडल में आता है, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल कंपोनेंट है, हम ये पता कर सकते हैं ना कि उस जैसे हम लोग बने हुए सेल से, हमारे सेल का स्टडी करके लोग, उसके डीएनए का, उसके अन्य चीजों का अध्ययन करके लोग हमारे विषय में जानकारी हासिल कर सकता है। वैसे ही ये जो पार्टिकल होता है, जिस ग्रह, जिसकी उपग्रह, जिस भी अभिक्रिया के कारण पैदा होता है ग्रह, उस उपग्रह, उस अभिक्रिया के विषय में ये हमें तमाम तरह की जानकारी दे सकता है। और यही वजह है कि न्यूट्रिनो पर अध्ययन किया जा रहा है। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, हम ब्रह्मांड के विषय में जो हमारी जो जानकारी आधी अधूरी है, तो हम बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और न्यूट्रिनो के विषय में कैसा कहा जाता है कि ये आमतौर से आसपास जो भी कोई तत्व है तो उन तत्वों से सरलतापूर्वक अभिक्रिया नहीं करता है, और इसलिए ये दूर दराज के पिंडों से भी निकल करके हमारे वायुमंडल में आता है और हमारे शरीर से गुजर करके भी ये बाहर निकल के चला जाता है। ये तो इस कारण से इसका उपयोग ब्रह्मांड का अध्ययन करना हो, बिग बैंग का अध्ययन करना हो, तमाम अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। पर समस्या यहाँ पे ये है, वो है तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया। सरकार कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि बोधी हिल के आसपास न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण हो, क्योंकि ये इको सेंसिटिव क्षेत्र है और यहाँ पे जैव विविधता है, उस पे काफी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अभी सरकार समझाए कौन, सवाल तो ये है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये पश्चिमी घाट के मथी केतन पेरियार बाख गलियारा जो है उसी गलियारा के ढलान पर पड़ता है ये। और यह गलियारा केरल और तमिलनाडु के साथ साथ पेरियार टाइगर रिजर्व और मथी केतन सूला राष्ट्रीय उद्यान को भी आपस में जोड़ने का काम करता है। जब यहाँ पे कोई भी खनन कार्य होगा, तय बात है कि जीव जंतु जो वन संपदा है वो सबके सब प्रभावित होगा ही होगा।
और इसीलिए सरकार यहाँ पे लगातार विरोध कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। सरकार का कहना है कि भाई आप पहाड़ को खोद रहे हैं ना, जमीन को खोद नहीं तो भी 1 किलोमीटर के अंदर में खोदेंगे। इस खोदने से हो सकता है कि जो जीव जंतु हैं या जो इस क्षेत्र का जो प्राकृतिक बनावट है वो बनावट का प्रभावित हो, और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी खुदाई हो। एक बात याद रखना कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। इको सेंसिटिव जोन क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय संवेदी क्षेत्र, ये प्रकार का संरक्षित होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में या किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। उसमें कहा गया है कि भाई उस सेंचुरी में जहाँ पे जैव विविधता अधिक है उसके आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर का जो क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता है, उन क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ये इको सेंसिटिव होगा। उस 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर को क्षेत्र को हम इको सेंसिटिव जोन में शामिल नहीं करते हैं। और 1986 का जो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम बना था, उसी अधिनियम के तहत इको सेंसिटिव जोन का अवधारणा चर्चा में आया, जिसका मूल उद्देश्य था कोई भी ऐसा गतिविधि न हो जिससे कि जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़े। पर सबके बावजूद भी जो उपयोग है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, इसे रोकना क्या है उचित है? आप लोग अब बिल्कुल अपना कमेंट लिखिए इस वीडियो के आखिरी में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट अर्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप वॉचिंग अनदर वीडियो। थैंक्स।